उमर खिताब की डेथ हो चुकी है, इसकी तरफ से इनके बेटे शाहसवार ने फाइल किया है, जबकि नूर अकबर सरफ फजले वाहिद बीमार तौर अभी से एहतियाब है, उसने अपने उसके लिए ये दावे दायर किए हैं। दावाजात में हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स कंट्री रिप्रेजेंटेटिव और मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अमेरिकन एम्बेसी के जरिए या उनके थ्रू हमने इसमें पार्टी बना के तो हमने ये दायर किया है। कोर्ट से इस्तदा हमारी ये है कि ये दोनों बंदे जो हैं ये कोरोना से मुतासिर हैं, इनकी पूरी फैमिलीज कोरोना से मुतासिर है और कोरोना की वजह से जो हमारी मुल्की इदारे और मुल्की सरबराहान जो हैं और जो डिफेंडेंट नंबर 4 डोनाल्ड जे ट्रंप और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि दुनिया की सत्ता के ऊपर खुद को दुनिया के सरबराह कहते हैं और दुनिया के उसका इदारा है, कि इनकी इनएक्शन, इनकी कलूसिवनेस, इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के ऊपर हमने इनको ये सू किया हुआ है कि इनकी वजह से दो तरीके हैं, दो आस्पेक्ट्स हैं इस केस के, एक आस्पेक्ट है नेशनल, एक है इंटरनेशनल। नेशनल हमारी जो सरबराहान है कि तफ्तान बॉर्डर के ऊपर क्या हुआ, फिर जो डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया गया, फिर जो हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को जो पिटिशनर्स हैं उनके साथ जो हुआ, फिर जो एयरपोर्ट्स के ऊपर स्क्रीनिंग नहीं थी और वहां से लोकल इन्फेक्शंस बढ़ी, इन सब के ऊपर हमने लोकल गवर्नमेंट या जो नेशनल गवर्नमेंट है उनको सू किया है। इंटरनेशनल गवर्नमेंट में या इंटरनेशनल एरिना के अंदर हमने प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रंप को किया है कि उनकी वजह से, कि अगर उनके इख्तियार में था, खुद को वो लीडर कहते हैं, खुद को वो लीडर समझते हैं, दुनिया के ऊपर अजारादारी कायम करने के दावे करते हैं, तो अगर वो ये कहते और वो ये करते WHO के साथ मिलके कि इसको वो हल करें और इसकी रोकथाम करते और इसको फैलने ना देते, जबकि ये शुरू नवंबर में हुआ उनकी वजह से कि उन्होंने उनको फंड्स बंद कर दिए, उनके साथ उनके इश्यू शुरू हुए तो उन्होंने उनको फंड बंद करते हुए ये सारे का सारा ये फैला है। हम